महोबा जनपद में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा रैली निकालकर ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ई शॉपिंग पर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से ई शॉपिंग को जल्द खत्म किए जाने की मांग की। जनपद में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा निकाली जाने वाली इस रैली के दौरान सैकड़ों की तादाद में व्यापारी मौजूद रहे। संगठन के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने ई शॉपिंग को आड़े हाथों लेते हुए इंटरनेट से की जाने वाली खरीद फरोख्त पर जल्द लगाम लगाए जाने की मांग की। उन्होंने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि मोबाइल से की जाने वाली ऑनलाइन शॉपिंग के चलते खुदरा व्यापार पर खासा असर देखने को मिल रहा है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। इसलिए देश से खुदरा व्यापार बचना चाहिए और जब खुदरा व्यापार बचेगा तभी रोजगार बचेगा, क्योंकि चाहे भारत की सरकार वो सिर्फ 25 लाख नौकरियां देने का काम करती है, चाहे स्टेट की गवर्नमेंटें हैं 75 लाख नौकरियां देती हैं, और सर्वाधिक रोजगार अगर कोई देता है तो हिंदुस्तान का ये खुदरा व्यापारी देता है। और आज मैं कह सकता हूँ पिछले वर्ष में 2 करोड़ नौकरियाँ पूरे देश के अंदर से अकेले रोजगार घटा है और वहीं पर व्यापार घटा है। हम एक अभियान ये रथ यात्रा के माध्यम से 15 दिसंबर को कानपुर से रथ यात्रा शुरू हुई पूरे उत्तर प्रदेश को होती हुई, फिर ये रथ यात्रा मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड होती हुई 20 दिसंबर 2020 को पूरे देश में व्यापारियों की रथ यात्रा को इसको रथ यात्रा को घुमाकर वहाँ पर जनजागरण पैदा करके देश की दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल व्यापारी रैली का आयोजन करेंगे और जिसमें हुंकार भरेंगे कि देश से खुदरा व्यापार बचाए सरकार, ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद कराए सरकार। इस अभियान को लेकर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन रथ यात्रा निकाली।